दोस्तों सब लोग तिरंगा बना रहे थे। मैंने भी सोचा कि घर का तिरंगा का अभियान करने आए, तो मैंने सोचा कि सभी लोग खरीद के ला रहे हैं, तो मैंने दीवार पर ही बनाने की सोची, क्योंकि ये राष्ट्रीय दिवस है। इसका अपमान नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि पेड़ों में गिरने से इसका अपमान होता है। दीवार पर ही तिरंगा बनाती हूँ। मैंने कुछ सामग्री इकट्ठी की है, देखिए ये कोई भी सफ़ेद कलर ले लीजिए, वो सफ़ेद हमेशा जो दीवार सफ़ेद ही होती है, और अच्छा करने के लिए सफ़ेद मेरे पास ये सीमट था, मैंने सीमट ही लिए और सीमट से सफ़ेद कलर बनेगा। और ये मैंने नारंगीकरण मंगाया है, आपके घर में भी हो सकता है नारंगीकरण, रखा हुए घर में सामान उसमें ही बन जाता है। और ये मैंने इसमें मिलाने के लिए दान करने के लिए ये मंगाया है। और ये मैंने हरा कलर मंगाया है, जो हरा रहता है वो बनाएंगे। और इसमें भी ये चक्र बनाने के लिए मैंने नीला कलर लिया, इसलिए मैं बना। ये सारा सामान आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, कोई चीज़ तो अपने घर में ही रखी रहती है। जैसे नील है, नील भी अपने घर में मिल जाएगा, ये सफ़ेद है, सफ़ेद भी अपने घर में मिल जाए। कुछ तो बच्चों के पास मिल जाते हैं, ये कलर बच्चों के पास भी रहते हैं, जैसे पेंसिल है और कलर है, अपन उससे ही बना सकते हैं। दीवार के एक सा बनाने के लिए मैंने ये स्केल ली है, इससे नाप सकते हैं आप लोग भी, जिसके जैसे तेरा मेरा ना बना। ये पेंसिल ली है, और ये हो सकता है ये इंची टेप, इंची टेप से भी आप नाप सकते हैं, कोई भी चीज़ मिले उसको नाप से बना सकते हैं। गाइड मेरा, मैंने तिरंगा बनाया है, सब लोग बाजार से लेके आ रहे थे, मैंने सोचा कि
मैं बार बार बना दूँ, क्योंकि बाजार चलाने से जो अपने कभी नीचे भी गिर जाता है उसका अपमान माना जाता है। मैंने कहा दीवार पर बना दूँ जो बच्चे गिरेगा भी नहीं, जो बच्चे के पैरों में भी नहीं लगेगा। मैंने ये बनाने का प्रयास किया, देखिए मैंने बनाया है। पर फर्स्ट बार पेंटिंग दी है आपको, जो पेंटिंग कैसी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।